तमु हवा में जौन तू धरा हो बलाते ना तो काट ले हम दाते। मेरा अश्लील गाना हिट नहीं, कोई हिट नहीं हुआ तो बात अलग है, लेकिन लिखते है ना जब आप ही का कलम से निकलता, हम जब दिखा देते हैं तो आप कह रहे हैं कि मत दिखाइए, आप लोग प्रचार में लाऊंगा लाऊंगा। अच्छा ये बताइए, पवन सिंह के लिए आपने गाना लिखा है कि? हाँ लिखा है। कौन सा? आज हमारे साथ भोजपुरी के बड़े ही अच्छे राइटर सूरज सिंह मौजूद है, जो कि बड़े बड़े स्टारों के बड़े सुंदर ब्लास्ट सॉन्ग लिखा है इन्होंने। हमारे साथ रंजीत सिंह भी है, इनके लिए भी कई गाना ब्लास्ट लिखे हैं। सबसे पहले स्वागत है आप ही का, कैसे हैं? सबसे पहले जितने भी गंगा न्यूज के माध्यम से हमको देख रहे हैं, नाम कर रहा हूँ, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी, कितने गाने आपने ब्लास्ट लिखा है, किसको किसको लिखे है, कौन कौन सा गाना है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। गाना तो बहुत सारा है, रंजीत भी है कहीं, बहुत सारा गाना है, और हमको लगता है सबसे पहले मेरा गाना आदमी जो लोग सुनते हैं तो सबसे ज्यादा सबसे पहले इन्हीं के गाना को, हम मेरा लिखा हुआ प्यार मिला था जो गाना था कि जारला बार लटक हुआ सखी चश्मा लगा के घूमे गौआ सखी हिरौआ सखी हो हिरौआ सखी हमारो यार हीरौआ सखी। बिल्कुल हमको याद आ गया, यही गाना था जो कि रंजीत सिंह का ब्लास्ट ये बजा था, क्या रंजीत जी? जी, और इनका पहला गाना था मेरा जो प्यार मिला था। कैसे गाना, थोड़ा अपने अंदाज में गाइए, ये तो राइटर है लिखते हैं। ये जहाँ से वायरल हो तो वहां से गाइए, हम शुरू से कर रहे हैं। कि दोनों बेरा दिल दे बेला निमन से फील दे बेला कि झारेला बार लटकौआ सखी चश्मा लगा के घूमे गौआ सखी हिरौआ सखी हो हिरौआ सखी हमारो यार हो हिरौआ सखी। बहुत सुंदर गाना था यह, सुंदर सुंदर लिखते भी है। और कौन कौन से गाने आप? उसके बाद बहुत सारे गाने हैं, ये नहीं कि अपाची लेला पापा जी के पोसल रंजीत रंजीत सिंह का, रंजीत भैया का गाना, इन्हीं का गाना बहुत सारा। इनका कई गो गाना हिट किए है, मतलब आपका लिखा हुआ होगा 10 गो हिट लागत नहीं के पढ़े में माना हुआ। हम दिल लगाऊनी तोहरा से तू दिमाग लगा दिया लो, जाड़ा में यारा छोड़ के तू घरे आ जाना। ये गाना सैड सॉन्ग बहुत ही अच्छा अभी चल रहा था कि दिलावा दुखाई दवा खाना न मिली रूपास अभे के चहबू बाकी बहाना न मिली दिया बार के खोजबू हमारा जस दीवाना न मिली। भैया ही गए थे बहुत सारा। अभी मेरा गाना चल रहा है कि राजा रंगदार तू झारत चल जिला में गारा दाखा भारत चल। अभी एक फिलहाल गाना जो आज ही 6 लाख रील हुआ है कि सुन ऐसे रे अपन शेरनी बना ल कट्टा के नोखी से नूर डाल तता हर जोड़ा नहीं खे पूरा संसार में तो देखनी है फोटो खबर में गारदा को भरल बिहार में। गाने को आप सब और बड़ा बनाइए, एक छोटा सा चैनल से था और गाने को बहुत प्यार दुलार मिला, अंकिता सिंह गाई हुई है तो। अच्छा ये बताइए कहाँ से दिमाग लाते हैं हमारा, जितने गाने लिखते हैं सब हिट हो जाता है, वो भी साफ सुथरे अच्छे गाने, मतलब मेरे जितने भी गाना आया है, मतलब देखिए कुछ कुछ आदमी लिखता है वो भी, लेकिन मेरा अच्छे गाना को ज्यादा प्यार मिला तो मैं उस पे ज्यादा मेहनत करता हूँ। अश्लील गाना कै गो लिखे है? अश्लील गाना लिखे हैं बट कैगो याद ही नहीं है हमको, क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नहीं मिलता आपको? नहीं। क्या जरूरत है अश्लील लिखने का, ये पहले बताइए, जब अच्छे गाने आपके बजिए रहे हैं। हाँ तो अब नहीं लिखते हैं। कभी नहीं ना? अब नहीं लिखते हैं, मतलब नहीं लिखेंगे ना? ना नहीं लिखेंगे कभी नहीं। लेकिन देखिए हम ये मैं बोल रहा हूँ, अगर सिंगर का डिमांड रहेगा तो उसको हम करेंगे। काहे करिएगा जब आप खुदे बोल रहे हैं कि मेरे मतलब कि बढ़िया गाना बजता है, असली बजते नहीं तो काहे के लिए लिखेंगे महाराज? मेरा बजता है सुंदर गाना, लेकिन मार्केट में और खराब ही गाना बजता है, देखते हैं कि खराबे गाना को लोग प्रमोट करते हैं। अच्छा गाना को प्रमोट करने वाला जितना भी मेरा गाना चला है तो कोई नहीं आया है प्रमोट करने।
अच्छे गाने का प्रमोट का जरूरत क्या है, अच्छा गाना तो ऐसे ब्लास्ट हो जाता है। रंजीत सिंह के जितने गाने हमको तो नहीं लगता कि कोई प्रमोट किया होगा, दो चार को पांच को मीडिया में ये चलते हैं, अनेक तो मतलब चलते हैं, फिर भी गाना एकदम कोई रोकता है क्या? जब बजना शुरू होता है तो कोई रोक ही नहीं पाता होता है, लेकिन कभी कभी आदमी क्या है ना कि बहुत मेहनत करता है अच्छे गानों के लिए, ये किया वो किया, जब रिस्पांस नहीं मिलता है वही आदमी देखता है कि सामने फलानवा क्या गा दिए, ये गा दिए, और उसको लोग ये करके हिट करा देते हैं लोग। आप देखिए, हम आपको भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलिए। हम और जितने भी मेरे बड़े भाई छोटे भाई मतलब गर्जीवन है, मीडिया वाले हैं, जो भी है, तो जितना आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग उस चीज को नहीं दिखाइएगा तो वो नहीं आएगा। देखिए, मेरा काम है, सुनिए सूरज जी, मेरा काम है, अगर गलत भी कोई गाता है तो हमारा काम है कि हम दिखाएं। अब पब्लिक देखना चाहती है तो हम उसको रोक सकते हैं। अच्छा बताइए, मेरे 15-16 मिलियन हुए वो गाना का, हम किए थे इंटरव्यू, 15 मिलियन उसका रुकिए नहीं रहा था, तो बताइए कि ये मेरा गलती है, मत देखिए उसको, स्क्रिप्ट कर दीजिए, क्या जरूरत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल एक बरसात में मैंने गाना लिखा था पूरे भोजपुरी में, पूरा इस साल का, उससे अच्छा बरसात का कोई गाना नहीं आया होगा। कौन सा गाना? और वो गाने का मात्र 10,000 व्यू है। कैसे है गाना बताइए। गाना था कि प्रियंका सिंह आई हुए हैं और एक सतीश सिंह है, पवन सिंह के भाई, वो गए थे कि हद से भी ज्यादा तोह पे एतबार हो गईल, चाहत में ही दिलवा बेकरार हो गईल, जब ले सांस चली मोहब्बत सींचत रह जाई, सावन के जैसन जान तू बरसत रहा हो, ई प्यार बाहर के मौसम में हम भीजत रह जाए। म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, मैंने गाना नहीं बजा, हाँ तो 10,000 व्यू है। अच्छा ये बताइए कि दर्शक लोग जबरदस्ती आप नहीं ना सुना सकते हैं, कोई गाना अगर अच्छा लग रहा है तब तब ना वो गाने को प्यार दुलार दे, आप कहिए कि नहीं सुनिए, तो ये थोड़ी ना होता है कि जबरदस्ती सुनना ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि दुकान एक सामान रखे से ना चलेला, बिल्कुल वह दुकानवा में किरासनो बेचाला, वह दुकानों में दारू बेचाला, हाँ तो हम दुकानदार हैं, हम हर तरीका को गाना पड़ोसेंगे। अब पब्लिक मेरे कैसे गाने को सपोर्ट करती है उस तरीका का मैं ज्यादा लाऊंगा, लेकिन मैं गाने हर तरीका का लिखूंगा। हाँ चलिए रंजीत जी, कोई गाना सुनाना चाहेंगे जो कि हिट इनका लिखा हुआ? बहुत सारा इनका लिखा हुआ हिट है, कितना सुनाया जाए? एक सुनाइए कोई इनका लिखा। मुहावा में नोट न धरा वह बलाते गाना। अभी गाना 36-40 मिलियन गया है। कि 10-20 ले बुना त सै ले लहो, खुश क के धन हई मै ले लहो, कि डाली जगह पो नोट त तू रोक देलु हाथे, त मुहावा में जन तू धरा वह बलाते न त काट ले हम दाते, छोड़ देब केहुओ के गइल बराते दाते काट ले हम दाते, मुहावा में जन तू धराब हो बलाते न तक काट ले हम दाते। महाराज आप लोग शिक्षा दे रहे हैं, जो दाते नहीं काटना चाहता वो दाते काट लेगा आपका गाना सुन के। हाँ तो इंजॉय है ना, इधर काट ले बरियारी कर रहा है, नाच का मैटर है, इंजॉय आदमी कर, गाना का अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब रोज चलता है, सालों चलता है गाना, बेस्ट है गाने में। हाँ, तो अच्छा ये बताइए पवन सिंह के लिए आपने गाना लिखा है कि? हाँ लिखे है। कौन सा गाना? गाना एक था अभी कि हमार गर्मी में गरम गरम मन रहता, चीज डाले के फ्रिज में बदन कहता, पवन भैया का लाइन है कि कुल ही जवानी के तू पानी में डूबले भरो, तो एके बोढ़निया कहाँ कहाँ बिछले बाड़ू, चरी हरी हरी दाग लालका लगैले बाड़ू। होली का भी एक गाना था कि गाल पर गुलाल न लगावे देबू तो चोलिए पर लिख दे हम सारा रारा। कई को गाना लिखे थे पवन सिंह के लिए? गाना तो बहुत सारे किए हैं अभी, लेकिन दो ही आया है, अभी आएगा गाना। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जितने देख रहे हैं?
चलते चलते मैं यही करूंगा कि हमको प्यार दीजिए, जितना भी मेरे गाना को आप लोग प्यार दीजिएगा उतना ही मैं अच्छा गाना लिखूंगा। और जिस तरीका का गाना, मैं गाना हर तरीका का लाऊंगा, आप लोग जिस तरीका का गाना को हमको प्यार दीजिएगा मैं उसी तरीका का ज्यादा लाऊंगा। अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग अच्छा सुनना पसंद करते हैं या खराब सुनना पसंद करते हैं। हमको दोष दे रहे हैं कि आप प्रचार करें, खुद लिखते हैं तो नहीं कहिएगा कि हम अश्लील गाना लिखते हैं, पहले बताइए। तो कहां मेरा अश्लील गाना हिट नहीं, कोई हिट नहीं हुआ तो बात अलग है, लेकिन लिखते हैं ना, जब आप ही का कलम से निकलता हम जब दिखा देते हैं तो आप कह रहे हैं कि मत दिखाइए, आप लोग प्रचार रहे। मैं लाऊंगा लाऊंगा, हाँ सब तरीके का गाना लाऊंगा। चलिए, क्या कुछ सोचते हैं सूरज सिंह राइटर के बारे में, अपना राय जरूर दीजिएगा, और रंजीत सिंह के गाने को लेकर के क्या सोचते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।